नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने BMW के आगे के एंटायर सस्पेंशन को कैसे प्रॉपर टॉर्क अप कर सकते हो। तो हर एक नट को टाइट करने के लिए उस पर एक स्पेसिफिक नंबर होता है कि इतना ही ये टाइट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, कुछ नट को 50 न्यूटन मीटर तक टाइट करना होता है, कईयों को 100, 200, 300 न्यूटन मीटर तक भी टाइट करना होता है। ये न्यूटन मीटर फोर्स है कि कितना टाइट करना है उस नट को। और आज की वीडियो में मैं आपको आगे के एंटायर फ्रंट सस्पेंशन के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसके नटों को कितना कितना टाइट करना है वो एक एक नट का बताऊंगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हो हर एक नट को कितना कितना टाइट करना चाहिए। ये सारे स्पेसिफिकेशंस BMW के हैं जो कि BMW फैक्ट्री में कंपनी यूज करती है। जब ये गाड़ी बनती है या फिर आप गाड़ी कंपनी में लेके जाते हो, वहां के टेक्नीशियंस इन्हीं बेसिस पर हर नट को टाइट करते हैं। उससे हम एंश्योर कर सकते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं वो प्रॉपरली और ढंग से हुआ है। अभी रिसेंटली मैंने आगे की दोनों कंट्रोल आर्म, लोअर कंट्रोल आर्म बदली थी और उसके चक्रों में लेफ्ट का मैंने लगभग सारा सस्पेंशन बाहर निकाला था। तो अगर आप कुछ ऐसा करते हो या कुछ अपने सस्पेंशन में कंपोनेंट्स बदलते हो तो उसको प्रॉपरली टाइट करना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको यहाँ पर दो तीन चीजें चाहिए होंगी। एक आपको एडजस्टेबल टॉर्क रेंच चाहिए होगा और जिससे हम अपने आगे यहाँ पर टॉर्क सेटिंग्स डालकर इसको टाइट करेंगे। और इसके लिए आपको व्हील को बाहर निकालना पड़ेगा, तो आपको लग नट और ब्रेकर बार चाहिए। मेरे पास यहाँ पर दो तीन टाइप की टूल किट हैं और इनका अलग अलग काम है। तो आपके BMW में कई सॉकेट या कई नट मैट्रिक सिस्टम के हैं, मतलब इस टाइप के हैं, तो उसके लिए हमको अलग टाइप की टूल किट यूज करनी पड़ेगी। तो ये सारे टूल्स मैं आज की वीडियो में इस पर यूज करूंगा। तो सबसे पहले हम लग नट्स को लूज करेंगे, उसके बाद गाड़ी को जैकअप करके हम व्हील को बाहर निकालेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये आगे का BMW का फ्रंट सस्पेंशन और यहाँ पर बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स हैं। यहाँ पर हमारा स्ट्रट आ जाता है नीचे, फिर हमारे लोअर अपर कंट्रोल और यहाँ पर थ्रस्ट बार और नीचे लिंकेजेस और यहाँ पर स्वे बार लिंकेज पीछे, इन सारे कंपोनेंट्स को हमको टाइट करना बहुत जरूरी है। और मैंने आगे का सारा सस्पेंशन चेंज किया हुआ, इंक्लूडिंग शॉक्स, और ये बिल्स्टीन के शॉक्स हैं। थोड़े टाइम पहले, दो तीन साल पहले मैंने इनको बदला था। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे हैं। ये है लोअर कंट्रोल आर्म जो अभी मैंने बदली थी, और जैसे कि आप ऊपर देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे नट हैं जो कि हमको टाइट करने हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमको इस टॉर्क रेंच को सेट करना पड़ेगा जिस जितना न्यूटन मीटर पर हमको इसको टाइट करना है। तो सबसे पहले जो नट हम टाइट कर रहे हैं वो हमारे स्ट्रट के नीचे जो आकर यहाँ पर जॉइंट होता है उसको टाइट करना है, और उसको हमको 90 न्यूटन मीटर तक टाइट करना है। और जब आपके टॉर्क रेंच में से ऐसी आवाज आए तो इसका मतलब है कि ये वाला नट 90 न्यूटन मीटर तक टाइट हो गया है। तो जो लोअर कंट्रोल आर्म के जो आगे वाले नट हैं उसको एक्सेस करने के लिए हमको इस प्लास्टिक कवर को निकालने के बाद हम कंट्रोल आर्म के उस नट को एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं पहले कह रहा था कि इस गाड़ी के अंदर मैट्रिक नट भी हैं, तो जैसे कि आप देख रहे हो इस नट का फेस और जो हमने अभी टाइट करा है उस नट का फेस फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, इसके टूल भी अलग होंगे। जैसे आप देख सकते हो ये स्टैनले की टूल किट है मैट्रिक सिस्टम के लिए। तो जैसे कि मैं इसको निकालता हूँ और इस सॉकेट को आप देख सकते हो, इसका जो फेस है वो नॉर्मल सॉकेट से अलग है। तो इस चीज का ध्यान रखना जब भी आप BMW पर या जर्मन कार पर काम करो, क्योंकि मोस्टली इन गाड़ियों में मैट्रिक टाइप के नट हैं अलोंग विद जो नॉर्मल हमारे कन्वेंशनल नट्स होते हैं। तो ये मेरी मैट्रिक सॉकेट किट 3/8 इंच की है और जो हमारा टॉर्क रेंच है वो 1/2 इंच का है। तो हमको अगर ये मैट्रिक सॉकेट इस पर लगाना है, या तो हमारे पास 1/2 इंच का मैट्रिक सॉकेट हो, नहीं तो इसके लिए ऐसे टाइप के अडेप्टर आते हैं जिसको आप ऐसे लगाकर अपने टॉर्क रेंच में लगा सकते हो। और ऐसे लगाने के बाद अब हम उस नट को फाइनली टाइट कर सकते हैं। और छोटे या बड़े अटैचमेंट यहाँ पर बहुत काम आएंगे, क्योंकि कई जगह पर आप प्रॉपरली उस टूल को फिट नहीं कर सकते। तो लोअर कंट्रोल आर्म का जो आगे का नट है इसको 100 न्यूटन मीटर तक टाइट करना है। और अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है यहाँ पे जब उसके बाद भी अटैचमेंट लगाने के बाद, तो ये ऐसे टाइप के 360 जो मूव करते हैं ऐसे टाइप के अटैचमेंट्स आते हैं, इसको भी आप यूज कर सकते हो। तो जैसे ये आवाज आपको सुन जाए उसका मतलब है कि ये 100 न्यूटन मीटर तक, जैसे मैंने पहले बताया, टाइट हो जाएगा। उसके बाद हम इस ऊपर के नट को टाइट करेंगे, इसको हमको 56 न्यूटन मीटर तक टाइट करना है। और अगेन ध्यान रखना ये मैट्रिक नट है एंड दिस इज नाउ टॉर्क टू स्पेक। और जो पीछे के यहाँ पर इस विशबोन या फिर अपर विशबोन के पीछे जो दो नट हैं चेसिस में, इसको 54 न्यूटन मीटर तक टाइट करना है। यहाँ पर टॉर्क रेंच नहीं जाएगा, बट 54 न्यूटन मीटर इतना ज्यादा टाइट नहीं होता, हैंड टाइट भी काफी है यहाँ पर। उसके लिए आपको एक स्पैनर किट की जरूरत होगी इनके पीछे वाले नट को टाइट करने के लिए। और उसके बाद हम अपने टायर रॉड के नट को टाइट करते हैं, और इसको हमको 165 न्यूटन मीटर तक टाइट करना है। जैसे कि मैंने पहले बताया, जब आपको ये आवाज सुनाई दे तो इसका मतलब आपका नट
टाइट हो गया है। उसके बाद जो हमको यहाँ पर नीचे दो नट दिखेंगे, एक तो हमारे लोअर कंट्रोल आर्म का है और एक दूसरा हमारे टेंशन स्ट्रट का है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये यहाँ से आकर हब में यहाँ पर मिलता है। तो इन दोनों ही नटों को हमको 100 न्यूटन मीटर तक टाइट करना है। तो उसके बाद हमको जो टेंशन स्ट्रट है उसके आगे के नट को 85 न्यूटन मीटर तक टाइट करना है। तो हमको यहाँ पर अपने फेंडर लाइनिंग के 2-4 नट निकालने पड़ेंगे नीचे नीचे के, ताकि हम थोड़ी सी उसको उठाकर हम अपना हाथ यहाँ पर टूल पर रख सकें। और टूल को एक्चुअली हमको यहाँ बीच में वेंट की साइड से निकालना है। ये वेंट है हमारे ब्रेक्स के लिए, ब्रेक्स को जो कूल डाउन करते हैं। तो इस वेंट को निकालने के लिए बस ये दो ही नट हैं। इन दोनों नटों को निकालने के बाद हम इस वेंट को बाहर निकाल सकते हैं। और अब ये भी प्रॉपरली टाइट हो गया है। उसके बाद जो हमको ये स्वे बार लिंकेजेस हैं इनको टाइट करना है। और जो ये ऊपर वाली लिंकेज है इसको हमको 45 न्यूटन मीटर तक टाइट करना है, और जो नीचे वाली है उसको हमको 100 न्यूटन मीटर तक टाइट करना है। सो उसके बाद हम प्लास्टिक का ये कवर वापस लगा सकते हैं जो हमने स्टार्टिंग में निकाला था, और ये फेंडर लाइनिंग को वापस लगा सकते हैं, वेंट को वापस लगा सकते हैं। और अब आपके जितने भी नट हैं सस्पेंशन के वो सारे टॉर्क्ड अप हो गए हैं। मतलब कि जब गाड़ी बनती है उस टाइम जितना भी इनका टॉर्क स्पेक होता है, अब वो उतने ही टॉर्क स्पेक तक टाइट हो गए हैं। ओवर टॉर्क करना भी ठीक नहीं है किसी नट को, और लूज छोड़ना भी ठीक नहीं है। तो हमको पता होना चाहिए कि कितना टॉर्क तक वो नट को टाइट करना है, ताकि कंपोनेंट्स पर भी स्ट्रेस ना आए, और अगर हम ज्यादा टाइट करते हैं तो वो नट बीच में से टूट भी सकता है। सो मैं यहाँ पर रेफरेंस के लिए काफी डिटेल्ड फोटोज डालूंगा, उसके अंदर आपको मेंशन कर दूंगा ये पार्ट कौन सा है और इसको कितना कितना टाइट करना है। तो दोस्तों इतना आसान होता है अपने BMW F10 के फ्रंट सस्पेंशन को प्रॉपरली टॉर्क अप करना। तो जब भी आप अपनी गाड़ी का कुछ भी सामान खोलो या कुछ भी पार्ट खोलो, उस टाइम आप सिंपली गूगल सर्च करके अपनी गाड़ी का मॉडल नंबर डाल के उस नट का स्पेसिफिक टॉर्क स्पेक जान सकते हो, जिसके बाद कि जब आप अपना कंपोनेंट या पार्ट रिप्लेस करो या वापस लगाओ तो आपको पता है कि उसको इतना ही टाइट होना है। और जैसे कि मैंने बताया, जो भी मैंने आज स्पेसिफिकेशंस बताई हैं, जो मैंने नंबर बताए कितना टाइट होना है, ये अकॉर्डिंग टू BMW है। BMW का जो फैक्ट्री सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर एग्जैक्ट यही लिखा हुआ है जो मैंने आज आपको वीडियो में दिखाया है। तो आई होप इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई हो, आप इससे कुछ सीख पाए हो। और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ यार, आपने कभी किसी मैकेनिक को ऐसे टॉर्क अप करते हुए देखा है नटों को प्रॉपर एडजस्टेबल टॉर्क बार से, या फिर आप ये पहली बार सुन रहे हो? क्योंकि मोस्टली लोगों को इंडिया में स्पेशली नहीं पता कि टॉर्क रेंच, एडजस्टेबल टॉर्क रेंच क्या होता है। तो अगर आप कोई दोस्त जानते हो जो इन चीजों में स्ट्रगल कर रहा है या सीखना चाहता है, उसको इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करना। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब करो। ऑलमोस्ट 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं यार। मैं बता भी नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ इस टाइम पर कि आप लोग इतना मुझे सपोर्ट कर रहे हो। सो थैंक यू जो मेरे को सपोर्ट करते हैं स्टार्टिंग से ही और अभी कंटिन्यूसली सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलो यार, आप लोग ध्यान रखो अपना और अपनी गाड़ियों का, और मिलते हैं अगली वीडियो में।